उर्मिला कॉलेज के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट का आयोजन हुआ। जनपद अयोध्या कोटसराय स्थित उर्मिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एनर्जी कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया। फाइनल ईयर के छात्रों एवं छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए। इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से ऊर्जा संरक्षण एवं जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य अमृतांश श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे कॉलेज से पास आउट छात्र छात्राओं के लिए हर वर्ष जॉब प्लेसमेंट का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्रों का सिलेक्शन हुआ। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एचओडी पवन पाल से जब हमारे संवाददाता ने जब बात की तो बताया कि विषय होता है तो उसमें बच्चों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए थे और उस प्रोजेक्ट का जो मेन मोटो था वो था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो दुनिया में आज बहुत बड़ा विषय बना हुआ है कि ऊर्जा संरक्षण किया जाए और इसके मैं एक हर्ष के साथ एक और सूचना देना चाहता हूँ कि हमारी संस्था में 1 जून से 4 जून तक ग्लोबल फाउंडेशन संस्था के माध्यम से ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसमें जो है बच्चों का वर्चुअली इंटरव्यू भी कराया गया था, जिसका रिजल्ट मुझे आज ही प्राप्त हुआ है और इसमें हम अधिकतर बच्चे हमारे जो है इसमें सेलेक्ट हो गए। मदरसन उसमें ग्रुप है, जो को हमार टाइट्स ग्रुप है, जिन्होंने इन बच्चों को सिलेक्ट किया हुआ है। ये बच्चे जब अपना एग्ज़ाम देंगे उसके बाद उनकी ईमेल आईडी पर ज्वाइनिंग लेटर जाएगा और ये बच्चे जाकर वहाँ उन फैक्ट्रियों में या जहाँ पर उनका वर्किंग होगा वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कॉलेज में इस समय पॉलिटेक्निक में हमारे यहाँ जो 6 ब्रांचें हैं, हमारे यहाँ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मैकेनिकल प्रोडक्शन और मैकेनिकल ऑटो हमारे यहाँ ब्रांचेस चल रही हैं और इसमें एडमिशन हमारे यहाँ ओपन है। और मैं अपने जो बच्चे हैं जिले के उनसे मैं ये निवेदन करूँगा कि वो हमारे यहाँ एडमिशन लें और उज्ज्वल भविष्य अपना बनाए। आपका नाम सर? मेरा नाम अमृतांश श्रीवास्तव है, प्रिंसिपल उर्मिला कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे किस तरीके का प्रोजेक्ट हुआ है थोड़ा सा विस्तार से बताइए। पॉलिटेक्निक क्षेत्र में जो बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में जब समर वेकेशन होता है तो 1 महीने की ट्रेनिंग करते हैं। तो जब थर्ड ईयर में जाते हैं तो एक सब्जेक्ट के रूप में उनका प्रोजेक्ट होता है। उस प्रोजेक्ट में 3 कंटेंट होते हैं। एक आपका एस्टिमेटिंग कास्टिंग होता है, दूसरा आपका ये फील्ड एक्सपोजर होता है, तीसरा आपका फैब्रिकेशन होता है। तो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और समर ट्रेनिंग में पढ़े रहते बच्चे उन्हीं का यूटिलाइजेशन करके प्रोजेक्ट को बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ बच्चों ने 5-5 के ग्रुप बटे थे, हमने बांटा था। जो 5-5 बच्चे मिल करके 10-12 प्रोजेक्ट लगभग बनाए थे। किसी में 6 भी हो गए थे, 7 भी हो गए थे, जैसा जिसका प्रोजेक्ट की कास्ट थी। जैसे बना था स्ट्रीट पावर सेवर बना था, विंड पावर प्लांट बना था, उसके बाद में क्या कहते हैं मॉइस्चराइजेशन सेंसर था, उसके बाद में ये रैन इंडिकेटर था। तो इस तरीके से करीब 12 प्रोजेक्ट हमने बनवाए थे। आपका नाम सर? मैं पवन पाल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उर्मिला कॉलेज। आज हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ।